अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं जिस साइट पे आया हूँ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और अभी इसमें जो है ग्राउंड फ्लोर पे हॉल एरिया बन रहा है। इसका एरिया जो है ये 6000 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया है ग्राउंड फ्लोर का और ये G+4 का प्रोजेक्ट है। इसमें ग्राउंड में तो हॉल है जिसका रूफ हाइट जो है 20 फीट है और इसमें स्टेयर है, लिफ्ट है। इसके ऊपर जो है इसमें होटल का प्लान है। तो अभी तो काम स्टार्ट जब हुआ था तो प्लिंथ एरिया करके, प्लिंथ का काम करके थोड़े समय के लिए काम इसका रुक गया था, लेकिन अब फिर से सुचारू रूप से इसका काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कॉलम का कास्टिंग हो रहा है, साइड से ब्रिक वर्क का भी काम हो रहा है। काफ़ी अच्छा बड़ा साइट है और काम भी अच्छा हो रहा है। कॉन्ट्रेक्टर साहब यहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं, इनका काम का क्वालिटी भी अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर मटेरियल की बात करें तो इसमें जिंदल पैंथर सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और सीमेंट की बात करें तो नुभोको का जो कंक्रीटो उनो सीमेंट है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोनों ही अच्छे ब्रांड के मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं। बाकी आपको मैं इस साइट का पूरा टूर कराता हूँ। इसमें इसका जो फ्रंट है वो ईस्ट का फेस है और साउथ साइड से भी इसमें जो है वो रास्ता इन्होंने अपना प्राइवेट रास्ता रखा है जिससे एंट्री है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन साइट है और इसका हाइट भी काफ़ी अच्छा रखा जा रहा है। 20 फीट के आसपास इसका फर्स्ट जो है वो रूफ का स्लैब होगा तो ये काफ़ी भव्य लगेगा देखने में हॉल। उम्मीद है कि एक अच्छा होटल प्रोजेक्ट बन के निकलेगा और समय समय पर इसका जो है काम का अपडेट मैं देता रहूँगा। इसमें तराई की जा रही है कॉलम को ढालने के बाद। वैसे मौसम तो अभी अच्छा हो गया है, उतनी गर्मी नहीं है, फिर भी जो है तराई तो चाहिए। तो आप देख सकते हैं कॉलम में नमी बरकरार रखने के लिए जो है वो जूट का जो है लगा करके और उसको पानी से जो है तर किया जा रहा है ताकि मॉइस्चर जो है वो बना रहे। आगे वाले कुछ कॉलम बाकी हैं कास्टिंग के लिए तो उसके लिए भी मसाला तैयार किया जा रहा है। सिर्फ कमी यही है कि मसाला जो है वो हैंड मिक्स है, होना तो ये चाहिए कि मशीन मिक्स मसाला होना चाहिए ताकि उसका मिक्सिंग प्रॉपर होता है। इसमें सामने के हिस्से में जो है वो अभी मैं चल रहा हूँ, जहाँ लेफ्ट साइड में आपको स्टेयर है और लिफ्ट है तो उसका भी जो है लेआउट का काम हो रहा है। इसी के लिए मैं साइट पे आया हूँ ताकि प्रॉपर मेज़रमेंट चेक हो जाए कि लिफ्ट और स्टेयर का जो है साइज़ में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि स्टेयर जो है वो बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अच्छा लगा काम को देख करके, काम की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। सरिया भी जिन लोगों ने बांधा है, सरिया के बांधने वाली टीम ने, उन्होंने भी अच्छा बांधा है। और बाकी जो इनके मिस्त्री हैं जो कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं कितना वो लोग भी अच्छा है, अनुभवी हैं। कहना सिर्फ यही है कि जो कंक्रीट जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से कंक्रीट को नहीं गिराना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोग वो कंक्रीट जो डालना है वो 5 फीट की ऊंचाई से ही डाल सकते हैं, जबकि थोड़ा कॉलम का हाइट ज़्यादा है, लगभग 8.5 फीट का कॉलम अभी कास्टिंग हो रहा है एक बार में। तो उस हिसाब से कंक्रीट को जो डाला जा रहा है बॉक्स में जो कॉलम ढालने के लिए, उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसका भी उपाय है जो मैंने बता दिया है कि आप लोग आगे से उस बात का ख्याल रखें, जो कॉलम का कास्टिंग करना है उसमें फनल बना ले, फनल बना करके
और तब जो है उसमें कंक्रीट डाल करके, ताकि वो उतनी ऊंचाई से कंक्रीट ना गिरे नीचे, यानी जिससे उसका बॉन्डिंग पावर जो है वो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं साइट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। बाय बाय।